शराब या जहर जो पैदा होता है तो पैदा किया जा रहा है, आपने देखा ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनके परिवार में एक शराबी निकल जाता है तो इनकी खोपड़ी फोड़ करके इनसे पैसा वसूल करने का काम करता है, वो शराब है। और जब दूध पैदा होता है और जब एक बच्चा पैदा होता है यहाँ हिंदुस्तान में धरती पर, अगर बेटा पाँव रखता है तो सबसे पहले उसके मुंह में अमृत डालने का काम किया जाता है, दूध पिलाने का काम किया जाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी को तो अगर देने का काम करता है, शराब जिंदगी नहीं देती है, अगर दूध जिंदगी देने का काम करती है तो आपका दूध है जो आपको बचाने का काम करता है। इसलिए आपके सामने चुनौतियां हैं, एक संकल्प ले लीजिए कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा ग्रहण करके और इतना संकल्प ले लीजिए कि जिस तरीके से आज ये कालीचरण जी ने मेले का आयोजन किया, अगर आप अच्छी पढ़ाई कर ले गए, अच्छी मेहनत करने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे, तो इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि आप बड़े 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 अफसर बन करके समाज की खिदमत करने का काम भी कर सकते हो और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर सकते हो। ये जो मेला आयोजित हुआ है, मेले के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं कि यह भंडारा और मेले का आयोजन होना चाहिए, इसमें सामाजिक समरसता बनी रहती, हम आप इकट्ठा होने का हमें आपको मौका मिलता, हमारी माताएं बहने एक साथ बैठने का अवसर पाती है। पुराने जमाने में यह होता था कि जब यह भंडारे का आयोजन होता था तो इसी भंडारे में हमारे चौधरी लोग जो बैठते थे तो शादियों को तय करने का काम करते थे। आज के जमाने में वो बात नहीं रह गई, उस जमाने में यह तय होता था कि कौन बनाएगा तो कौन खाएगा, कौन परोसेगा और कौन पांच में बैठने का काम करेगा। लेकिन ये चीज, अब सारी चीजें खत्म हो गई, सारे भेद को आपने भुलाने का काम कर दिया और जब ये भेद आपने भुलाने का काम कर दिया है तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए आपको चैतन्य रहना होगा, ये हम आपसे कहने आए। आज हम साथियों केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो माताएं बहने हैं भाई, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं देश में स्वर्ग जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है, आपको हमको कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं और हम बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाने का काम किया और जो उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो इसे ग्रहण करेगा वो दुनिया में गुर्राने का काम करेगा, जो लड़ने का काम करेगा, ये ऐसी शिक्षा होती है। शिक्षा के आगे दुनिया में कोई चीज नहीं है। हम आपसे कहेंगे, एक बेटा वो भी पैदा हुआ जिसने ये मोबाइल बनाने का काम किया है, उसके पास दिमाग था। हिंदुस्तान में कोई देवता ऐसा नहीं है जो इस मोबाइल को रोकने का काम करे, अगर कोई रोक सकता है तो साइंटिस्ट है जो उसको बंद करने का काम कर सकता है, देवता और भवानी के बस की बात नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि पढ़ाई आप करिए और जिस दिन आपने अच्छी पढ़ाई करने का काम कर लिया उस दिन ऐसे मोबाइल और ऐसे बहुत सी चीजों को बनाने का काम आप करोगे और पूरी दुनिया में अपना नाम और अपने इलाके का नाम रोशन करोगे। लोग नकल करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें, ये हमें आपको शिक्षा के माध्यम से हासिल करने का काम हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं आपके पास। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। स्वर्गीय बाबा मित्रसेन यादव जी थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां इस इलाके में लड़ी और यहाँ जब जब जुर्म और ज्यादती हुई है, चाहे पुलिस के लोगों ने किया हो और चाहे यहाँ के सामंतों ने उत्पीड़न करने का काम किया, उन लोगों ने हमेशा धरना प्रदर्शन करके थाने को घेरने का काम किया था। लेकिन आज अघोषित कर्फ्यू चल रहा है देश में, आज अघोषित रूप से कर्फ्यू लगा करके देश को लूटने का काम किया जा रहा है। आप अपनी आवाज को नहीं उठाने का काम कर सकते हो। हमारा नौजवान है जो पढ़ा लिखा है, अगर ये कांवड़िया ढोने का काम करता है, अगर ये जो उनके यहाँ यात्राएं निकलती है परिक्रमा करने का काम करता है तो हमारे आपके ऊपर फूल बरसाने का काम किया जाता है। यही नौजवान जाता है, इसकी आदतों में अगर बिगड़ जाती है तो उसको अच्छा माना जाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये जब नौजवान पढ़ लिख करके लखनऊ के धरती पर जाता है और कहता है कि साहब हमको नौकरी देने का काम करिए, नौकरी मांगता है, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाने का काम ये सरकार करती है, इसको जवाब देने का काम आपको करना है। आप ये संकल्प लेकर के जाइएगा। हम आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, दोनों टीमों को हम धन्यवाद देते हैं। उधर छविलाल जी बैठे, इधर हमारे माधव जी और विजय यादव जी हैं। हम आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा नहीं बनना चाहते, केवल इतना कहते हुए कि आप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाइए, लेकिन एक कदम अगर इधर कार्यक्रम की तरफ है तो दूसरी निगाह लखनऊ और दिल्ली की तरफ भी होनी चाहिए, तभी आपको राज मिल सकता है, तभी आप राज हासिल करने का काम कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।